दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय चीन जापान युद्ध के बारे में, जिसे एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी कहा जाता है, जिसे जापान की अब तक की सबसे बड़ी गलती माना गया है। इसलिए आइए दोस्तों मेरे नए YouTube चैनल स्टोरी बार पर शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों पूरी महाभारत शुरू करने से पहले हमें चीन के इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों शुरू से ही चाइना पर एक ही राजा का राज्य रहा है। ये एक ही राजा पूरे चाइना पर राज्य करता था। चिंग राजवंश के दौरान वहां का राजा पुई, जो कि एक 6 साल का बच्चा था, बस इसी 6 साल के बच्चे के नाम पर दूसरे लोग चाइना पर राज करते थे। ऊपर से फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, जापान आदि देश व्यापार के लिए चाइना आते थे और इन्होंने चाइना के कई शहरों पर अधिकार कर लिए। इसके बाद 1911 में चाइना में एक तख्तापलट किया गया तथा चाइना से राजशाही पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। लेकिन यहां भी चाइना पूरे तरीके से संगठित नहीं हो पाया। चाइना की सत्ता दो भागों में बढ़ गई, एक तरफ युआन शिकाई दक्षिण में तथा उत्तर में सत्यान सेन। यहाँ से दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों ने जन्म लिया। दोस्तों अब हम चाइना सिविल वॉर के बारे में और कभी बात करेंगे, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 19वीं सदी का समय जब जापान एकदम से शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। जापान ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध स्थापित किए, इंडस्ट्री, नए नए हथियार आदि में जापान ने खूब तरक्की की, जबकि चाइना अभी भी तीर कमान पर ही टिका था। इससे पहले 1894-95 में हुए पहले चीन जापान युद्ध में भी जापान ने एक तरफा जीत हासिल की थी और मंचूरिया, ताइवान और कोरियाई द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 19वीं सदी में अप्रैल 1927 में बेरन तनाका जापान के नए प्रधानमंत्री बने और तनाका की सोच सबसे अलग थी, साम्राज्यवाद। तनाका अपने सैन्य अधिकारियों के साथ एक गुप्त सम्मेलन करता था। यहां तक कि सम्मेलन के निर्णय के आधार पर एक पत्र भी तैयार किया गया, जिसे तनाका स्मरण पत्र भी कहा जाता है। इस पत्र के अनुसार अगर जापान को तरक्की करनी है तो उसे चाइना सहित पूरे एशिया पर कब्जा करना होगा तथा जापान को आयरन एंड ब्लेड पॉलिसी अपनानी होगी। 3 जनवरी 1932 तक जापान ने संपूर्ण मंचूरिया पर अधिकार लिया तथा 18 फरवरी 1932 को मंचूरिया के स्थान पर एक नए राज्य का गठन किया, मंचुकुओ, तथा यहां जापान ने एक कठपुतली सरकार की स्थापना भी कर दी। इसके बाद जाहोल, मंगोलिया, उत्तरी चीन, होई, शांशी और शांतुंग पर जापान का अधिकार हो गया। यहां तक कि अब तक भी चीनी सरकार ने जवाबी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि चीन में तो पहले से ही गृहयुद्ध चल रहा था। वहां कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी पार्टियां आपस में ही लड़ रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर में तथा राष्ट्रवादी पार्टी दक्षिण में स्थित थी, जिसकी राजधानी नानकिंग थी। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब जापान की शाही आर्मी ने नानकिन पर अधिकार किया तो नानकिन के सामान्य लोग काफी खुश थे कि अब नानकिन पर जापान का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि नानकिन के सामान्य लोग अपनी सरकार से काफी दुखी थे। इसलिए जब जापानी आर्मी नानकिन शहर में घुसी तो वहां के स्थानीय लोगों ने जापानी झंडे के साथ जापानी आर्मी का स्वागत किया, लेकिन हुआ उल्टा। जापानी आर्मी ने शहर में घुसते ही सामान्य लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या महिलाएं, सभी को गोलियां मार दी गई। कुछ लोगों को तो जिंदा ही जमीन में दफना दिया गया और सबसे ज्यादा अत्याचार तो महिलाओं पर किए गए। 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। इस नानकिन नरसंहार में लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की हत्याएं की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हत्याएं जापानी आर्मी ने अपने मनोरंजन के लिए की थी और जैसा कि कहा गया है कि अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है। जापान को भी नानकिन नरसंहार का फल मिला, वो था हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद जापान ने 1934 में घोषणा की कि अगर कोई चीन की सहायता करता है तो वो जापान का दुश्मन कहलाएगा तथा अंत में 1937 में औपचारिक तौर पर चीन जापान युद्ध शुरू हो गया। राष्ट्रवादी सरकार की चीनी आर्मी बेहद फीकी साबित हुई और पीछे हटती गई। उसका कारण था चीन की राष्ट्रवादी सरकार इतनी भ्रष्ट थी कि जब पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो अमेरिका के रक्षा मंत्री ने चीन से कहा कि वो उन्हें $1 मिलियन की मदद देंगे ताकि चाइना में एक हवाई पट्टी तैयार की जा सके, जिससे अमेरिकी जहाजों को जापान पर हमला करने में परेशानी ना हो। लेकिन चीन की राष्ट्रवादी सरकार के कुछ नेताओं ने कहा कि अगर मदद देनी है तो राशि को और बढ़ाओ ताकि हमें भी कुछ खाने को मिल सके। सोचिए कितनी भ्रष्ट सरकार थी जो अपने देश के बुरे समय में भी भ्रष्टाचार के बारे में सोच रही थी। और ऊपर से जब चीनी आर्मी पीछे हटती जा रही थी तो चीनी आर्मी के सैनिकों ने आसपास के कुओं में जहर डाल दिया और सारे खेत जला दिए, जिससे जापानी आर्मी को खाने पीने के संसाधनों में दिक्कत हो। लेकिन इससे चीन के ही सामान्य लोगों को ज्यादा दिक्कत हुई, जबकि उत्तर में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सैनिक भी जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे बहादुरी के साथ। गुरिल्ला वार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जापानी आर्मी को रोक दिया, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता लोगों में काफी बढ़ने लगी। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें जापान जर्मनी और इटली के साथ जा खड़ा हुआ तथा अमेरिका भी पर्ल हार्बर अटैक के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जा खड़ा हुआ। जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया तो रशिया भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। धीरे धीरे जर्मनी भी हार की कगार पर आ गया, लेकिन जापान नहीं माना तथा अंत में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए तथा जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।
गया। ज़्यादा जानकारी के लिए इस टॉपिक पर मेरे पास वीडियो है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर परिणाम की बात करें तो जापान ने जीते हुए सभी क्षेत्र चीन को वापस कर दिए तथा चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी और मजबूत हुई तथा अंत में माओ के नेतृत्व में रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ, जिसे रशिया का पूरा समर्थन प्राप्त था। और दोस्तों, मेरा आज का वीडियो भी यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करना तो मेरा हक बनता है यार, क्योंकि हमने समय का सही उपयोग किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।